माँ भारती के वीर सपूत और देश के जाबाज सैन्य अधिकारी जनरल विपिन सिंह रावत। एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 16 दिसंबर 1978 को सेना से जुड़े। प्रशिक्षण के दौरान उनके अभूतपूर्व प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ने उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। यह सम्मान सर्वश्रेष्ठ कैडेट को ही दिया जाता है। सेना में रहते हुए उन्होंने कई आतंकवादी मुठभेड़ों का नेतृत्व किया। अपने शौर्य, साहस और पराक्रम के बूते 31 दिसंबर 2016 को वह थल सेना अध्यक्ष बने। उन्हें ऊंची और दुर्गम पहाड़ियों की लड़ाइयों में महारत हासिल थी, जिसके चलते पाकिस्तानी सेना उनसे भयभीत रहती थी। वो 1 दिसंबर 2020 को देश के CDS बने। CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इस पद पर सुशोभित होने वाले वो देश के पहले सैन्य अधिकारी थे। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो या चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देना हो, जनरल विपिन सिंह रावत ने अपने युद्ध कौशल और अनुभव से हमेशा देश को गौरवान्वित किया। 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश ने अपने इस वीर सपूत को खो दिया। हम सब जनरल विपिन सिंह रावत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।